अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये डॉक्यूमेंट कंपोज किया है। इसके कुल 28 पेजेस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं इन 28 पेजेस में पेज बॉर्डर भी इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं डिज़ाइन मेन्यू पर क्लिक करता हूँ, पेज बॉर्डर का कमांड सेलेक्ट करता हूँ। ये पेज बॉर्डर एंड शेडिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। ये फिर पेज बॉर्डर के मुख्तलिफ फॉर्मेट्स है। अगर मैं नन सेलेक्ट करता हूँ तो इसका मतलब है कि कोई पेज बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं बॉक्स सेलेक्ट करता हूँ तो अब मेरा पेज बॉर्डर एक बॉक्स की सूरत में इंसर्ट होगा, ठीक है। आप इधर प्रीव्यू में देख सकते हैं। अगर मैं शेडो का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो इसका मतलब है कि इस बॉक्स के साथ साथ इसकी शेडो भी होनी चाहिए। और अगर मैं पेज बॉर्डर 3D फॉर्मेट में इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो फिर मैं 3D का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। सपोज मैं बॉक्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, मुझे जो टेक्स्ट बॉक्स है ये बॉक्स की सूरत में चाहिए। तो अब ये देखिए यहाँ पे फिर मैं इस पेज के बॉर्डर जो है इसकी स्टाइल को चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए मुख्तलिफ स्टाइल है, आप अपनी पसंद का कोई भी स्टाइल सेलेक्ट करें, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन बॉर्डर्स की कलर भी चेंज करूं, तो इसके लिए मैं कलर के कमांड पर क्लिक करता हूं और यहां से अपनी पसंद का कोई भी कलर पिक कर सकता हूं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसकी विड्थ में कम या ज्यादा करूं, तो इसके लिए मैं विड्थ के कमांड पर क्लिक करता हूं, ठीक है। अगर मैं ये कम करता हूं 1.5 करता हूं, ठीक है, तो ये देखिए प्रीव्यू में मुझे दिखा रहा है कि पेज बॉर्डर की विड्थ कम हो गई है। अगर मैं ज्यादा करना चाहूं तो फिर मैं ज्यादा करूंगा, सपोज मैं 3 रखता हूं, ठीक है। अब मैं अगर चाहूं कि इस पेज बॉर्डर के टॉप का जो बॉर्डर हो वो ना हो, तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा। अगर मैं चाहूं कि नहीं ये होना चाहिए तो फिर मैं इस पर दोबारा क्लिक करूंगा, आप रिव्यू में देख सकते हैं। इस तरह अगर मैं चाहूं कि बॉटम बॉर्डर ना हो तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। अगर मैं चाहूं कि नहीं बॉटम बॉर्डर भी होना चाहिए तो फिर मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूं। और इसी तरह लेफ्ट बॉर्डर को मैं अपीयर या डिसअपीयर कर सकता हूं, ठीक है, आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट दोनों को। लेकिन अगर मैं चाहूं कि नहीं मेरी जो पेज बॉर्डर हो ये बॉक्स की सूरत में ना हो बल्कि कोई आर्ट हो, तो मैं आर्ट के कमांड पर क्लिक करूंगा, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ बिल्ट इन आर्ट है पेज बॉर्डर के लिए, आप स्क्रॉल डाउन करें और अपनी पसंद का कोई भी फॉर्मेट आप सेलेक्ट करें, ठीक है। एक मिनट कोई अच्छा सा देखते हैं। सपोज़ मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ये मुझे प्रीव्यू में बता रहा है कि इसका कलर किस तरह होगा और इसका स्टाइल किस तरह होगा, ठीक है, और इसकी विड्थ क्या होगी। विड्थ मैं यहाँ से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसको मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आप देखें कि ये मतलब तमाम डॉक्यूमेंट पर ये अप्लाई हो गया है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि नहीं पेज बॉर्डर के ये फॉर्मेट में पूरे डॉक्यूमेंट पर अप्लाई नहीं करना चाहता, बल्कि मैं इन फॉर्मेट्स को डॉक्यूमेंट की किसी स्पेसिफिक पोर्शन या कुछ खास पेजेस पर अप्लाई करना चाहता हूँ, या मैं मुख्तलिफ पेजेस या मुख्तलिफ पोर्शंस पर मुख्तलिफ तरह के पेज बॉर्डर के फॉर्मेट अप्लाई करना चाहता हूँ, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है ये मुख्तलिफ सेक्शन में डिवाइडेड हो। तो डॉक्यूमेंट को सेक्शन में डिवाइड करने के लिए और फिर इस पर मुख्तलिफ तरह के पेज फॉर्मेट करने के लिए मैं एक न्यू पेज ओपन करता हूँ, कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ, तो ये एक न्यू फाइल ओपन हो गई है, ठीक है। ये मेरे डॉक्यूमेंट का फर्स्ट पेज है और मैं सपोज करता हूँ कि ये मेरे टाइटल पेज है, ठीक है, और ये मेरे डॉक्यूमेंट का सेक्शन 1 भी है, ठीक है। तो टाइटल पेज मेरा सेक्शन 1 हो गया। अब यहाँ पे मैं एक सेक्शन ब्रेक इंसर्ट करता हूँ, तो इसके लिए मैं पेज लेआउट के मेन्यू पर क्लिक करता हूँ, ब्रेक्स का कमांड सेलेक्ट करता हूँ और फिर नेक्स्ट पेज के कमांड पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, सेक्शन ब्रेक कहते हैं। तो ये सेक्शन ब्रेक भी हो गया और पेज ब्रेक भी हो गया। यहाँ से मेरे डॉक्यूमेंट का सेक्शन 2 शुरू हो रहा है। तो सपोज मेरे डॉक्यूमेंट का जो दूसरा सेक्शन है ये प्रिलिमिनरी ऑफ सर्च है, ठीक है, ये सेक्शन भी हो गया। अगर आप इसके लिए 2-3 पेजेस छोड़ना चाहें तो आप कंट्रोल एंटर से कर सकते हैं, हम करते हैं, ठीक है, कंट्रोल एंटर। ये 3 पेजेस हमने प्रिलिमिनरी ऑफ रिसर्च के लिए छोड़ दिए और ये मेरे डॉक्यूमेंट के सेक्शन 2 है, यानी सेक्शन 2 में हमने 3 पेजेस रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सपोज चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं एक और सेक्शन ब्रेक इंसर्ट करूँ, यानी अगला एक सेक्शन शुरू हो जिसमें जो मेरे डॉक्यूमेंट की मेन बॉडी पर मुश्तमिल होगा। तो इसके लिए मैं पेज लेआउट के मेन्यू पर क्लिक करता हूँ, ब्रेक्स का कमांड सेलेक्ट करता हूँ और फिर सेक्शन ब्रेक के तहत नेक्स्ट पेज के कमांड पर क्लिक करता हूँ। तो ये सेक्शन ब्रेक भी हो गया और पेज ब्रेक भी हो गया। तो सपोज मैं यहाँ पर ये मेरे जो डॉक्यूमेंट का सेक्शन 3 है ये मेरे डॉक्यूमेंट की मेन बॉडी है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं मैं सिर्फ सेक्शन 2 पर पेज बॉर्डर के कुछ फॉर्मेट अप्लाई करूँ, तो इसके लिए मैं कर्सर अपने सेक्शन 2 के बिल्कुल स्टार्ट पर लेके आऊँगा, ठीक है। फिर डिजाइन मेन्यू पर क्लिक करता हूँ, पेज बॉर्डर का कमांड सेलेक्ट करता हूँ, तो ये पेज बॉर्डर एंड शेडिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। सपोज यहाँ से मैं बॉक्स की फॉर्मेट सेलेक्ट करता हूँ, इसका कलर भी मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, और फिर आप ये ऑप्शन देखें कि
क्या आप इन पेज बॉर्डर्स को तमाम डॉक्यूमेंट पर अप्लाई करना चाहते हैं या सिर्फ इसी सेक्शन पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम सिर्फ इसी सेक्शन पर अप्लाई करेंगे। इसके लिए मैं दिस सेक्शन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और इसको ओके करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि प्रीलिमिनरी ऑफ रिसर्च के आपकी जो 3 पेजेस हैं इन पर सिर्फ यही पेज बॉर्डर के फॉर्मेट से अप्लाई होंगे। ठीक है, अब मैं मेन बॉडी पर कुछ और तरह के पेज बॉर्डर के फॉर्मेट से अप्लाई करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं कर्सर को अपने डॉक्यूमेंट के एंड पे लाऊंगा, यानी मेन बॉडी के सेक्शन में, और फिर पेज बॉर्डर के कमांड पे क्लिक करता हूँ। सपोज इसके लिए हम पेज बॉर्डर का के लिए कोई आर्ट सेलेक्ट करते हैं, बिल्ट इन आर्ट। ठीक है, तो मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, जो मुझे आर्ट पसंद हो मैं वो सेलेक्ट करूँगा। सपोज़ मुझे ये पसंद है, ठीक है, मैं इसकी कलर भी चेंज करता हूँ, सपोज़ मैं ये कलर रखता हूँ। और अब यहाँ पे भी देखें कि अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट, यानी आप इसको इन पेज बॉर्डर को पूरे डॉक्यूमेंट पर अप्लाई करना चाहते हैं या सिर्फ इसी सेक्शन पर। तो मैं अगर दिस सेक्शन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँ तो अब सेक्शन 3 के जो पेज बॉर्डर्स होंगे वो इस फॉर्मेट में होंगे। मैं इसको ओके करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं सेक्शन 2 के पेज बॉर्डर्स किस तरह हैं। ठीक है, और सेक्शन 1 जो टाइटल पेज है इस पर कोई पेज बॉर्डर नहीं है, क्योंकि हमने इसको इस पर कोई पेज बॉर्डर्स के ऑप्शन अप्लाई नहीं किए हैं। सेक्शन 2 में ये बॉर्डर्स हैं, ठीक है, और फिर सेक्शन 3 यहाँ से शुरू होता है, तो इसमें ये पेज फिर ये बॉर्डर से जो आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं अगर जैसे जैसे नए पेजेस इस सेक्शन में इंसर्ट करता जाऊंगा तो ये पेज बॉर्डर उस पर अप्लाई होते रहेंगे। तो उम्मीद है आप पेज बॉर्डर के कमांड को समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।